100 मदरसों को चिन्हित किया गया है और 500 मदरसों को ले जाने की योजना है और ये प्रोपेगेंडा वगैरह कुछ नहीं है। नहीं, नाम आएगा, नाम आए, नाम आएगा, नाम आएगा, नाम नाम भी नाम भी नाम भी आएगा। और दूसरा, दूसरफराज जी कह रहे हैं कि मदरसों को किल नहीं किया जा रहा है। भाई मदरसों को उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, खाली उनको स्कूली शिक्षा से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। कौन कह रहा है मदरसे बंद कराए जा रहे हैं? कहां मदरसे बंद कराए जा रहे हैं? मदरसों को तो उल्टा सुरक्षा बढ़ाई गई है, मदरसों की फंडिंग बंद कर रही है सरकार। जो फंडिंग होना चाहिए थी मदरसों की, वो फंडिंग बंद कर रही है। वो तो स्कूलों के सरकार के बगैर जिंदा रहेंगे। सरकार मदरसे चलते रहते हैं और चलते रहेंगे। नहीं भाई, नहीं वो ठीक है, तो चलना ही चाहिए। आसान मिसाल आपके सामने नहीं है, वहाँ सरकार ने जो है बिल ला के मंजूर नहीं किया। सिर्फ 250 करोड़ रुपए का जो फंड था मदरसों के लिए, वो भी बंद कर दिया आपने साल का। अब आप कहते हैं मदरसों के गरीब हैं, हम आपके मदरसों के दोस्त हैं और हम मदरसे फैलाना चाहते हैं। मदरसों को तो प्रोत्साहित किया जा रहा है, कौन कारा बंद कर रहे हैं? और उसमें इस बहाने दूरी कम की जा रही भाई, और शिशु मंदिरों में भी, शिशु मंदिरों में भी इस पर पहल होगा, 100% होगा पहल, दोनों तरफ से पहल होगा। और मदरसों को जिस तरह से वेद और पुराण पढ़ाए जाएंगे, तो यहाँ भी कुरान के बारे में पढ़ाई होगी। ये समय लगेगा थोड़ा, लेकिन लेकिन सरफराज जी इसको इसको मानने में को तैयार नहीं है। सरफराज जी बोले कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये खाली प्रोपेगेंडा हो रहा है। नहीं नहीं, उनके सामने उदाहरण होगा। वो देखो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो हवा में नहीं बात कर रहे हैं। कुछ उदाहरण उनके सामने होगा जहां ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब सारे मदरसे बंद किए जा रहे हैं ऐसा नहीं है। कुछ और मदरसे बंद करने कोई कुछ और कारण होंगे, तो मैं कहना नहीं चाहूंगा अभी। यहाँ अच्छी अच्छी बात पर चर्चा हो रही है, मदरसों पर क्या बुरी नीयत क्या नीयत, ये बात की बात है, अलग विषय है। सारे मदरसे बुरे हैं कोई नहीं कह रहा है, मदरसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, वहां से निकले बच्चे राष्ट्रप्रेमी हुए हैं। सरफराज जी के पास आंकड़े होंगे कि कितने मदरसे बंद हुए हैं मुंबई और महाराष्ट्र में? सरफराज जी नहीं, उनके पास होगा उदाहरण कुछ, लेकिन किस कारण से बंद हुआ है ये भी उन्हें पता होगा सब। नहीं, सरफराज जी बताएंगे मुंबई और महाराष्ट्र में कितने मदरसे बंद हुए? नहीं आ रही है। सरफराज जी मुंबई और महाराष्ट्र में कितने मदरसे बंद हुए? सरफराज जी आवाज आ रही मेरी? सरफराज जी आवाज आ रही? नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, क्या टेक्निकल थोड़ा देखिए। कोई मदरसा सरकार नहीं बंद करा रही है। अगर कोई अपराधी गतिविधियां कुछ और कारण रहा होगा, इस कारण से बंद हुआ होगा तो अलग बात है। सरकार की कोई नीति नहीं है कि मदरसों को बंद कराए, और स्कूलों की फंडिंग नहीं दी, बहुत सारे जगह नहीं दी जा रही है, जो क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे हैं, जो इमारतें लीगल नहीं है उनको फंड सरकार हर जगह रोक रही है। वो मदरसों के लिए नहीं है, स्कूलों के लिए वही है। तो मदरसा को अलग से कोई टारगेट किया जा रहा है ऐसी बात नहीं है। और सरफराज जी अच्छे पत्रकार मेरे मित्र है, वो उनके पास पिछली बार पे भी साल दो साल भर की पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में 19,000 करोड़ मदरसों के लिए अनुदान दिया गया, जिसको योगी ने बुला करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से दिलवाया हो, उसकी काफी खबरें आई है अखबारों में, मीडिया में खबरें आई। फिर मदरसे कैसे बंद हो रहे हैं? अब सरफराज जी के पास क्या आंकड़ा है वो बताएं थोड़ा, कि महाराष्ट्र मुंबई या देश में कितने ऐसे मदरसे हैं जो बंद हो गए? मदरसे बंद नहीं हो रहे हैं जी, और मदरसे बंद नहीं होते जी। मदरसों को फंडिंग जो है वो आवाम की जानिब से मिलती है जी, सरकार फंडिंग करे या ना करे जी, मदरसों को आवाम की फंडिंग मिलती है जी। तो मदरसे फंडिंग की वजह से कभी बंद नहीं हुए, और एक भी मदरसा ऐसा नहीं है जो फंडिंग की वजह से बंद हो गया हो। फिर क्यों बंद हुआ? सरकार जो है वो दे या ना दे, सरकार क्या देती है जी? जब आप बंद नहीं हुए तो आप क्यों बोल रहे हैं कि गला घोट रहे हैं?
सरकार ने क्या मदरसों के ऊपर कोई ऐसा जीआर निकाला कि मदरसों को नहीं चलना है, या जीआर को या उसको कोई प्रतिबंध लगाने की ऐसा कोई धारणा बनाई? फिर सरकार का उसमें मदरसों से क्या ताल्लुकात आ गए, जो मदरसों के ऊपर आप बता रहे कि नकेल लगा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, फिर उनको जिंदा जलाने के लिए पानी पिला रहे हैं? आसिफ जी आवाज मेरी आ रही है आपको? देखिए मुझे आ रही है, आपको आ रही है? आपको आ रही है आवाज? देखिए, मैं सरफराज भाई को यही बताना चाह रहा हूँ कि इंडोनेशिया जैसा एक मुस्लिम अकलियत का मुल्क है जी, वहां पर भी हिंदू कल्चर को मान्यता दी जाती है जी, क्योंकि ये आज हम जिस दौर पर चल रहे हैं वहां ये मजहब की छोटी बातें लेकर चलना मुनासिब नहीं है। अगर मैं उन्हें जानकारी दूं तो कुंवर महेंद्र सिंह बेदी का एक छोटा सा शेर के, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा नहीं, सुनिए फिर से, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद हो इसी का, इसी पर कोई इजारा तो नहीं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये मुल्क में कुछ पांच टका जो लोग अखलियत के लोग हैं, जो ये इस सोच से मुताफिक नहीं है, तो मैं इससे आप पूरी कौम को एक अलग नजरिया ना दे। आज कौम से हटकर लोग प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, लोग मजहबी बातें छोड़कर होते हैं, विकास की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो 5% के लोगों से दंगे होते हैं। देखिए, उन्हीं लोगों को तालीम देना और दोनों मजहब की यकजहती को वाबस्ता रखने के लिए, ये दोनों तरफ हैं आसिफ जी, दोनों तरफ हैं। ये जैसा बताया अभी, जो बताया अभी इन्होंने बनई जी ने, अलामा जी ने, कि पहले पार्लियामेंट वालों को शिक्षित करो, ये दोनों तरफ हैं, और सरकार में बैठे हुए लोगों को भी शिक्षा की जरूरत है। कुरान, बाइबिल और गीता तीनों को पढ़ना चाहिए। हिंदू की यहाँ पे भारत की संस्कृति सभ्यता क्या है, भाईचारगी क्या है, देश को बांट के राजनीति में बांट करके अगर हम धर्म की बात करेंगे तो धर्म को ये मंजूर तो नहीं होगा। आसिफ आवाज आपकी फिर आवाज का प्रॉब्लम आपका बार बार हो रहा है जी, कहीं ना कहीं आवाज का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। बताइए थोड़ा, अलमा जी बताइए, आप अलमा जी के पास थोड़ा चलते हैं। अलमा जी देखिए, 5% जैसा जिक्र हुआ कि 5% लोग वो हर तरफ होते हैं, हर जगह होते हैं, हर कौम में होते हैं, हर समाज में होते हैं, जो तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका उनकी दुकान ही उसी वजह से चलती है। और उसी 5% का जिक्र तिवारी जी ने कहा था, जो 5% कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो पाकिस्तानी विचारधारा के होंगे, चाइनीज विचारधारा के होंगे, उनको ये बात शायद पसंद नहीं आए, आपने जो उसके ऊपर टिप्पणी की थी। तो 5% लोगों के खातिर हम 95% को तो नहीं छोड़ देंगे ना जी? देखिए, 5% कम जो है उसको सभी समाज वाले रिजेक्ट करते हैं, मजम्मत करते हैं जी, उनको समझाना बुझाना, उनके लिए कानून लागू करना है जी। लेकिन उस 5% को लेके सभी को मुल्जिम इल्जाम लगाना, ये गलत है, गलत है, गलत अभी है, मैंने गलत कहा है। कि आप ये बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब जी, कौमी यकजहती बहुत ही अच्छी चीज है जी, और ये धर्म की रूह है जी। इस्लाम में भी कौमी यकजहती या गंगा जमनी अमृत शांति का रूह है, और हिंदू सनातन धर्म में भी यही आत्मा है बिल्कुल। अभी हम बताते हैं वो मुगल दौर, वो अच्छा दौर था या बुरा दौर है, मैं उसे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन उसी दौर के अंदर मुसलमानों के दरगाहों में, खानकाहों में होली मनाया जाता था जी, दिवाली मनाई जाती थी। आज भी औलिया कराम के आस्थाने पे दिवाली और होली मनाई जाती है जी। अजमेर शरीफ चले जाएं, दिल्ली में हजरत महबूब इज़ामुद्दीन औलिया ले जाएं, आप जो है हजरत अमीर खुसरू को सुन लें, देख लें और पढ़ लें, तो ये लोग से अच्छे कौमी यकजहती के कौन लोग हैं
जी, ये सभी लोगों ने कौमी यकी को फरूग दिया जी। तो इसकी कोशिश करनी चाहिए। हम तो कहते हैं तिवारी जी आइए हम आप मिलके, ये मदरसे में क्या और ये स्कूल में क्या, बल्कि हम तो सारे समाज में छोटे बड़े सभी को कौमी यकजहती की हम जो है फरोग देने की कोशिश करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, बल्कि ऐसा कानून का मुतालबा कीजिए कि लोकसभा के इलेक्शन से बाइबल, गीता, रामायण, वेद और गुरु ग्रंथ इनकी तालीम हो सर्टिफिकेट, तभी वो लोकसभा का इलेक्शन फाइट करे, क्योंकि कानून तो लोकसभा ही में पार्लियामेंट में बनता है ना। लेकिन आइए हम मुतालबा करते हैं। लेकिन लेकिन एक बात बताइए अलमा जी, 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 जहां पर भारत में वंदे मातरम बोलने में उनको आपत्ति होती हो, जय हिंद बोलने में आपत्ति होती हो, वहां पर हम इसकी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? दौर तो हो कि हम मस्जिद में, हम मंदिर मस्जिद में हम आरती उतारें, घंटी आरती बजे और मंदिरों में कुरान के अजान पढ़े जाएं। लेकिन जहां पर संसद, आपने सही बोला कि संसद को सुधरने की जरूरत है, मंदिर मस्जिद अपने आप में सुधरे हुए हैं, उनको बिगाड़ने वाले सिर्फ 5% हुए। देखिए मैं कहता हूं कि मैं सहमत हूं, एक मिनट जी, एक बात, सॉरी, मंदिर मस्जिद में भी गलत, 1% भी गलत नहीं है, मंदिर में भी नहीं है जी, ये मैं माजत चाहता हूँ, ये जुमला इस्तेमाल ना करे जी, ना मंदिर के लिए, ना मस्जिद के लिए, ना चर्च के लिए, ना गुरुद्वारे के लिए जी। धर्म स्थल, किस धर्म का धर्म स्थल है, मैं समझता हूँ वहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, वो धर्म स्थल के नाम पे समाज में दूसरे गड़बड़ी करते होंगे, लेकिन किसी मंदिर में गलत नहीं काम होता है, ना गलत किया जाता है, न किसी चर्च में, न किसी में, ये छोड़िए। 5% जो है वो सियासत, अब वो चाहे मंदिर का सहारा ले, वो गुरुद्वारे का सहारा ले, किसी का ले ले, वो लोग हैं। तो इसलिए मंदिर मस्जिद को मैं नहीं बात करना चाहता, मंदिर अपना काम करे, मस्जिद अपना काम करे, यहाँ जो समाजी लोग है, यहाँ जो सियासी लोग है, यहाँ जो तालीमी लोग है, उनको चाहिए कौमी यकजहती, गंगा यमुनी तहजीब को बढ़ावा देना, यहाँ होली भी हो, दिवाली भी हो, ईद भी हो, बकरीद भी हो, क्राइस्ट हो, सब मिलजुल के। लेकिन वो लोग क्यों चाहेंगे साहब, अलावा भी वो लोग क्यों चाहेंगे, उनकी तो वोट बैंक ऐसी इसी के आधार पर खड़ा होता है ना, पहल तो हमको और आपको करनी पड़ेगी। समाज उसी से टूट रहा है ना, तो इसी जहाँ से समाज टूट रहा है, मंदिर से समाज नहीं टूट रहा है, मस्जिद से समाज नहीं टूट रहा है, जो लोग को आप बोल रहे हैं जो है वही समाज को तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनको सुधारना है ना, नहीं तो हम उन्हीं के पीछे तो भाग रहे हैं, हम उनके पीछे भागने की बजाय, हम उनकी अपेक्षा करने की बजाय, अगर हमारे मंदिर और मस्जिद के लोग में बैठे लोग एक सौहार्द और सद्भाव के साथ अगर विचारगी करें, समाज को एकजुटता लाएं, तो शायद उनकी राजनीतिक रोटियां बंद हो जाएंगी। जो ये पहल है, ये पहल क्या सही नहीं है, ये पहल क्या सही नहीं है मोहतरम।